हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी फेसबुक का ओटीपी नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, आपके पास इस प्रकार का पेज आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका मोबाइल में कोड नहीं आता है, तो दोस्तों आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। आज के इस वीडियो में आपको तीन तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप तीनों तरीका को अप्लाई कर लेते हैं तो 100% आपका ओटीपी आने लगेगा और जो है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा पहला तरीका है, अगर आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है तो फिर जो भी मोबाइल में आपका नंबर लगा हुआ है उस नंबर से आपको एक मैसेज भेजना है। तो फिर यहाँ पे मैसेज क्या भेजना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर इनबॉक्स पे क्लिक कर देना है और इनबॉक्स में जैसे आप आ जाते हैं यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको रिसीव नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है 5757511। दोस्तों इस प्रकार से आपको लिख देना है 5757511। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको लिख देना है STOP। दोस्तों यहाँ पे स्टॉप आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेंड का बटन होता है इस पर आपको इसको मैसेज को भेज देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना मैसेज को भेज दिया, आपका मैसेज चला जाएगा उधर से, रिप्ले में ओके आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। पहला तरीका आपको ये अप्लाई करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के बाद भी अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका यह है, आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है और लिंक पे क्लिक करते आप इस पेज पे पहुंच जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद इश्यू आपसे पूछा जाएगा, आपको अपने फेसबुक को रिपोर्ट करना है, आपको बताना है फेसबुक को कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रिसीव टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर में आप किस कंपनी का सिम यूज करते हैं उस कंपनी का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एयरटेल, सिंपली आपको एयरटेल इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ पे आप जो भी कंपनी का सिम यूज करते हैं उस कंपनी का नाम लिखने के बाद दोस्तों मोबाइल नंबर में आपका अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर से आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है उसका। दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना ईमेल एड्रेस। दोस्तों ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली आपको कंट्री पे क्लिक कर देना है, आप कौन सा कंट्री का है यहाँ पे सिंपली आपको इंडिया डाल देना है। डिस्क्राइब द इशू इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है माई ओटीपी नोट रिसीव। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको भी लिख देना है। उसका दोस्तों सिंपली आपको सेंड वाले बटन को दबा देना है। दोस्तों जैसे आप सेंड वाले बटन को दबा देते हैं, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेंड कर दिया, फेसबुक को रिपोर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद आपको कम से कम एक सप्ताह रुक जाना है, 2 से 3 दिन के अंदर वैसे आपको ओटीपी आने लगेगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो कम से कम एक सप्ताह वेट कर लीजिए, रुक जाइए, उसका दोबारा आप फेसबुक में जाकर ट्राई कीजिएगा, आपका ओटीपी आने लगेगा। दोस्तों अगर इस तरीका से भी नहीं आता है तो फिर यहाँ पे लास्ट और तीसरा तरीका एक ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दे देता है फेसबुक, वहां पे आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम से आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है वही नाम से आपका होना चाहिए आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी आप अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों ये ले लेगा और जो है आपका आईडी खुल जाएगा। तो फिर ये तीनों ट्रिक अप्लाई करके आप 100% अपने फेसबुक अकाउंट को खोल सकते हैं अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।